सब्सक्राइब कीजिए दाइमा इंग्लिश क्लासेस बेहतरीन इंग्लिश सीखने के लिए और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राज दाइमा एंड यू आर वाचिंग दाइमा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बिना वर्ब के हम किसी भी सेंटेंस की इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते। वर्ब्स को दो भागों में बांटा जाता है, प्रिंसिपल वर्ब्स और जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, जैसे गो, ईट, ड्रिंक, थिंक, ये सब प्रिंसिपल वर्ब या फिर मेन वर्ब कहलाती हैं। ऑक्सिलरीज ये दूसरा भाग होता है, वर्ब का दूसरा प्रकार होता है ऑक्सिलरीज, जिनको कि हम सहायक क्रियाएं भी कहते हैं। ऑक्सिलरीज वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए होती हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। ऐसे ही ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है उनको भी दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज जिनको कि मेन ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। दूसरा भाग इसका होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो मूल रूप से तीन होती हैं, डू, बी और हैव। डू से डज, डिड बनता है, हैव से हैज और हैड बनता है, और बी से इज, आर एम और वॉज वर ये बनता है। इस तरह से टोटल ऑक्सिलरीज 24 होती हैं। इन ऑक्सिलरीज को दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स जो कि डू, बी और हैव होती हैं, और इनसे 11 जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो बनती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज ये 13 होती हैं, 13 होती हैं और ये भावों को प्रकट करने वाली होती हैं। मॉडल वर्ब्स मूड से बनी हैं, ये मूड को बताती हैं। इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल्स फ्रेंड्स 13 होते हैं, जिनमें सबसे पहले हम प्रेजेंट फॉर्म की बात करते हैं। प्रेजेंट फॉर्म विल, शैल, कैन और मे, ये 4 होती हैं, और इन्हीं की पास्ट फॉर्म, हालांकि इनका पास्ट टेंस से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इनकी पास्ट फॉर्म ये होती हैं। विल की पास्ट फॉर्म वुड, शैल की शुड, कैन की कुड और मे की माइट। तो इस तरह से ये प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म दोनों मिलकर के एट हो जाती हैं। इसके बाद इसमें आती है मस्ट, इसको प्रेजेंट फॉर्म ही कहा जाता है, इसकी पास्ट फॉर्म नहीं होती। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स 3 होती हैं, यूस्ट, नीड, डेयर। सबसे पहले हम लेते हैं कैन को, यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग हम निम्न कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। इसको शॉर्टकट में हम पीसी, पारस, पीसी ये कह करके याद कर सकते हैं, पीसी, पारस, पीसी। इसमें फर्स्ट पी से पावर बनता है, सी से कैपेसिटी, फिर पी से परमिशन, फिर ए से एबिलिटी, आर से रिक्वेस्ट, एस से स्ट्रेंथ, फिर पी से पॉसिबिलिटी और सी से सर्टेनिटी। इन भावों को प्रकट करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, मैं बॉक्स को उठा सकता हूँ, इससे ये पता चलता है कि मुझ में ताकत है इस बॉक्स को उठाने की, स्ट्रेंथ इसमें आ रहा है। शी कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकती हैं, इसका मतलब उसमें योग्यता है अंग्रेजी बोलने की। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, इसका मतलब है कि मैं कैपेबल हूँ रिवर को पार करने के लिए। यू कैन गो नाउ, इसमें परमिशन दे रहे हैं, और परमिशन मांगने के लिए इसमें हम परमिशन मांग भी सकते हैं, लेकिन इससे जो परमिशन मांगी जाती है वो थोड़ी सी रूड होती है। कैन वी स्मोक हियर, तो ये इस तरह से परमिशन मांगी जा रही है। कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ पेपर प्लीज़, इस तरह की जो रिक्वेस्ट्स होती हैं, जिनसे जो कि ऑफिशियल्स होती हैं, जिनको ऑफिसेज या रेलवे स्टेशंस या बसेस, बस स्टॉप्स
रिक्वेस्ट की जाती है ऐसी जगहों पर तो उसके लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। राइट, राइट कैन से राइट का अधिकार का भाव भी प्रकट होता है। जैसे आपको कोई अधिकार नहीं है फर्स्ट क्लास में जाने का, तो इसमें इस तरह से हो सकता है यू कैन नॉट ट्रेवल फर्स्ट क्लास विद अ सेकंड क्लास टिकट, यू कांट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट परमिशन कार्ड। तो आपको अधिकार नहीं है, आप नहीं आ सकते, तो मना करने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। अगर आश्चर्य होता है, एस्टोनिशमेंट या इम्पेशेंस अधीरता या फिर डिस्पेयर निराशा को शो करने के लिए प्रश्नवाचक वाक्यों में कैन का प्रयोग इस तरह से किया जाता है, जैसे व्हाट कैन ही मीन, क्या मतलब हो सकता है उसका, व्हाट कैन यू बी, क्या बन सकते हो तुम, क्या बन सकते हो तुम। कैन के साथ बी का प्रयोग हो सकता है के अर्थ में हम लेते हैं, जो कि पॉसिबिलिटी को बताता है। कैन से इस तरह की पॉसिबिलिटी होती है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी, संभावना को व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दैट कांट बी ट्रू, वह सही नहीं, वह बात सही नहीं हो सकती है। कैन ही बी अ रिच मैन, क्या वह अमीर आदमी हो सकता है, या इस तरह की पॉसिबिलिटी जो कि प्रेजेंट पॉसिबिलिटी हो, जो आंखों के सामने ही हो रही हो और फिर भी उसमें 1% का डाउट हो, 99% सही हो, ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही कैन बी राहुल विथ हिज मदर, अब अपनी माँ के साथ वह राहुल हो सकता है, क्योंकि माँ को हम पहचान चुके हैं, लेकिन राहुल में ये संभावना जताई जा रही है कि वह राहुल हो सकता है।